नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। जीतन राम मांझी ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने से दोबारा झुकेंगे नहीं। इस बयान पर आरजेडी ने तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि श्याम रजक ने कहा है कि उन्हें अब सड़कों पर आकर संघर्ष करने की ज़रूरत है, वो एनडीए में प्रताड़ित हो रहे। इसके अलावा भी श्याम रजक ने कई बातें जो है वो जीतन राम मांझी को लेकर कही है। सबसे पहले श्याम रजक का वो बयान सुनिए। देखिए, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने उनको बनाया उन्होंने उनको हटाया, और उसके बाद भी वो उस अपमान को सम्मान मान कर करके उसी के चरणों के दास बन गए, और अब उनको लगता है प्रताड़ना हो रहा है। लेकिन उनकी बातें हरदम बदलती रहती है, मेरी पूरी उनके प्रति सहानुभूति है। वो सड़क पर आए, लड़ाई लड़े, जनता के लिए लड़ाई लड़े। मुख्यमंत्री बनना न बनना ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि 12 करोड़ जनता के सवालों को लेकर के सड़कों पर संग्राम करें, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बोला है सर कि मौका मिलेगा तो चुकेंगे नहीं। अरे, मौका तो जनता देती है, जनता के बीच वो कहाँ है, जनता के सवालों को लेकर के नहीं। उनको कुर्सी के पिछलग्गू के रूप में लोग जानते हैं, उनको जनता के लिए संघर्ष के रूप में नहीं जानते हैं। लेकिन अगर वो आज भी अगर इस संकल्प के साथ जनता के सवाल को लेकर के आए और जनता के लिए संघर्ष करें, तो पहले उनको संघर्ष करना चाहिए। जो आज की सरकार जिसके वो अंग है, उनके पुत्र उनके अंग है, उस सरकार के हिस्सा हैं, उसके जो कृतकृत्य हैं, जो गलत कारनामे हैं, उसके खिलाफ़ तो बिगुल बजाएं, उसके खिलाफ तो शंखनाद करें। पद की लालसा को कोई जनता कभी नहीं मानती है, जनता कभी उसको नहीं देती है। जो सड़कों पर रहता है उसी को जनता मानती है, और तेजस्वी यादव जनता के लिए सड़कों पर रहते हैं, तो जनता सड़कों पर ही लोगों को पहचानती है, उसी को मान्यता देती, उसी को महत्व देती, उसी के प्रति सम्मान करती है। मेरा आग्रह होगा जीतन बाबू से, बड़े नेता हैं, हम उनके आदर करते हैं, कि आए सड़कों पर, सड़कों पर लड़ाई लड़े, तेजस्वी जी के साथ वो लड़ाई लड़े, लड़ाई लड़ेंगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, यूएनओ के चेयरमैन बन जाए, ये सवाल नहीं है। सवाल है कि जनता के साथ आप कितने देर तक खड़े हैं। कुल मिला कहें तो एक तरफ मुकेश सहनी सीएम बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी सीएम बनना चाहते हैं, और तो आरजेडी जो है वो तंज कस रही है जीतन राम मांझी का। वो कह रही है कि अगर आप एनडीए में हैं तो प्रताड़ित क्यों हो रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष करिए जनता के मुद्दों को लेकर। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।